सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें सर्च कर लें रंजन सर इंग्लिश, टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे आप जुड़ सकते हैं हमसे, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और बाकी इस चैनल को तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया ही होगा। चलिए डियर, ये आपका है व्हाट्सएप नंबर, के किसी भी तरह के क्वेश्चन क्वेरी डाउट के लिए आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस जरूर रखेंगे, इम्पेशेंस नहीं होंगे। टेलीग्राम के माध्यम से भी हम तक अपनी बातों को आप पहुंचा सकते हैं, और इवन ये मेरी वेबसाइट है डियर, और काफी अच्छे कंटेंट में डालता हूँ यहाँ पर, यहाँ से जाकर के आप कंटेंट को भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ पीडीएफ अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो डियर, आज जो हम पढ़ेंगे ये हम कल पढ़ चुके, ऐसा नहीं मैं ये वाला पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। हमने कल 1 से 10 तक सेक्शन कंप्लीट किया था, तो आज जो मैं कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ 11 से लेकर के। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम 11 से लेकर के 25 तक, 11 से लेकर के 25 तक। चलिए तो आज का जो फर्स्ट आपका गोल्डन रूल से दिया वो है एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। पार्टिसिपल आप समझते होंगे, पार्टिसिपल हमारे दो तरीके के, इसे तीन तरीके के होते हैं, पार्टिसिपल हमारे पास तीन तरीके के। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल डियर, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, पार्टिसिपल इक्वल टू एडजेक्टिव आप कह सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है डियर, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है जो वर्ब की विधरी फॉर्म होती है, और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जो आपका हैविंग प्लस विधरी होता है डियर, हैविंग प्लस विधरी होता है। तो ये तीन तरह के पार्टिसिपल आपके पास है। तो कह रहा है कि ये जब पार्टिसिपल का आप इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखेंगे कि इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस जरूर लगाएंगे कि किसके लिए, किसको रेफर कर रहा है ये जो पार्टिसिपल आया है, किसको रेफर कर रहा है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। चलिए, बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अब ये सेंटेंस में देखेंगे कि ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या ये सेंटेंस सही है? आप देखेंगे कि अगर नहीं लगाएंगे तो क्या हो रहा है, यार अगर नहीं लगाएंगे तो इसमें दो सेंटेंसेज होते हैं, एक हमारा पार्टिसिपल से स्टार्ट हुआ सेंटेंस होता है और एक नॉर्मल हमारा जो मेन क्लॉज होता है। ठीक है, अगर आप पार्टिसिपल में सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो यही सब्जेक्ट यहाँ भी कंसीडर किया जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा सही हो पाता है, ऐसा संभव है कि इसी से काम चल जाएगा, तब जरूरी नहीं है लगाना, तब सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दो अलग अलग एक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दो अलग अलग लाइक सब्जेक्ट है दोनों का, जो आपका पार्टिसिपल है उसका कोई और सब्जेक्ट है और इधर का कोई और सब्जेक्ट है, तो पार्टिसिपल के सब्जेक्ट को बताना पड़ेगा। चलिए, तो अब यहाँ पर लग रहा है कि बीर बीइंग अ रेनी डे, हम लोग ही बारिश के मौसम है या हम लोग ही बारिश के दिन है, तो डियर ये तो गलत हो जाएगा। सो इसे हमें सही करना पड़ेगा, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड टू स्टे एट, और इट इज बीइंग मत कर दीजिएगा, क्योंकि एसएससी में लोग दिमाग ये लगाते हैं कि सर इट ऐसे कैसे सही हो रहा है। अरे भाई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही सेंटेंस हम शुरू कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस टेंस का आईएनजी वाला वर्ब फॉर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर यहाँ पर एक सब्जेक्ट देखेंगे आई, और ये रीचिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रीचिंग देयर आई टुक अ लिटिल रेस्ट एंड वेंट टू मीट द डायरेक्टर। अब यहाँ पर समझेंगे कि इस रीच का सब्जेक्ट क्या लगाना जरूरी है, जैसे ऊपर में इट का लगाना जरूरी हो गया, क्या नीचे में भी लगाना जरूरी है? जी नहीं, रीचिंग देयर का मतलब कौन, आई रीचिंग देयर, मैं ही वहां पर पहुंचा हूं, तो दोनों जगह का सब्जेक्ट सेम है। अगर दोनों जगह का सब्जेक्ट सेम होगा डियर, तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ या कोई भी पार्टिसिपल के साथ आपको सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट है तो दोनों के सब्जेक्ट को मैच कर लिखना पड़ेगा या मेंशन करना पड़ेगा। आई होप चीजें समझ में आ गई कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और साथ वाला जो सेंटेंस होगा, अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो मत लिखिए, लेकिन अगर दोनों का अलग अलग है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, नंबर 12, फॉर कंप्लीटेड एक्शन हैविंग प्लस v3, ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, इज यूज्ड इन द एक्टिव वॉइस, वेयर एज हैविंग प्लस बीन प्लस v3 और बीइंग प्लस v3 इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। रिमेंबर दैट सच क्लॉज इज नेवर प्रीसीडेड बाय आफ्टर। देखेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज को कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये जो being plus v3 है इसके पहले ना after लगा देते,
ये आफ्टर लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आफ्टर का मीनिंग अपने आप मिला हुआ है। आफ्टर का सेंस इस सेंटेंस में ऑलरेडी इन स्टील है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। लाइक आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे, यहां पर आफ्टर का मीनिंग कोई जरूरत नहीं, हमें सही करना पड़ेगा द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे। अब देखेंगे ये भी हमारा पार्टिसिपल है, हमने इसका सब्जेक्ट लगाया है, फिर फॉलोअर्स रैन अवे, इधर सब्जेक्ट लगाया, देख रहे हैं कि रैन का सब्जेक्ट कोई और है और किल्ड मतलब हैविंग बीन किल्ड का सब्जेक्ट कोई और है, तो हमने दोनों सब्जेक्ट को लगाया है। मान लेते हैं कि कुछ इसी तरह से होता कि दोनों तरफ का सब्जेक्ट एक हो जाता तो हमें लिखने की पहले वाले में जरूरत नहीं होता, ठीक है। जैसे देखेंगे सेकंड वाले देखेंगे, आफ्टर बीइंग डिफीटेड ही किल्ड हिमसेल्फ, हार जाने के बाद उसने खुद को मार लिया। अब यहाँ पर आफ्टर का कोई जरूरत नहीं, हमें सिंपल लिखा बीइंग डिफीटेड ही किल्ड हिमसेल्फ। अब देखेंगे कि बीइंग का जो सब्जेक्ट है ना वो ही है, पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब आगे से कभी भी इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे तो आप अच्छे से सोच विचार करेंगे। पार्टिसिपल लाइक कंसिडरिंग कंसर्निंग रिगार्डिंग जजिंग व्यूइंग रेफरिंग एंड ब्रॉडली स्पीकिंग एटसेट्रा डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। याद रखेंगे ये जो है ये पूरे सेंटेंस को सेंटेंस के लिए आते हैं तो इनके साथ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली नहीं बताते, एक्चुअली पूरे सेंटेंस को रेफर करते हैं, ठीक है। तो इस कारण से इनके साथ हम सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं लिखते। लाइक आई कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन नॉट टू हेल्प देम, मतलब केस का अच्छे से कंसिडर करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई उन लोगों की मदद में नहीं करने वाला, तो यहाँ पर आई लिखने की आपको जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट लिखेंगे कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन नॉट टू हेल्प देम। आई कंसर्निंग द आइटम यू सेंट देयर आर सम पॉइंट्स आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, तो डियर यहाँ पर आई की कोई जरूरत नहीं है, अगेन हम सही करेंगे कंसर्निंग द आइटम यू सेंट देयर आर सम पॉइंट्स आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये सारे पार्टिसिपल आप याद रखेंगे, इनके साथ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 14 द डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी मेंशनड इफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और एडजेक्टिव, कभी कभी एडजेक्टिव भी आता है डियर, जनरली हमारा मेन वर्ब होता है, आर यूज्ड डिफरेंट फॉर्म्स लिखेंगे डियर, तो यहां पर कर देंगे आर यूज्ड विद इट, इट शुड बी करेक्टली एसोसिएटेड विद द बोथ। अब जरा समझेंगे, कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, या मान लेते हैं ऐसा कि दो मेन वर्ब है, ठीक है, दो मेन वर्ब है, मान लीजिए किसी कंजंक्शन से एक कनेक्टेड है, दो मेन वर्ब, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि अगर दोनों मेन वर्ब अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लेता है डियर, दोनों अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो इन दोनों अलग अलग हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करना पड़ेगा, समझ में आई बात, कि जैसे अगर मैंने लिखा आई एन जी, मान लीजिए हमने लिखा कहीं कि जैसे डूइंग, और हमने एक जगह लिखा डन, तो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलेगा, कि हमने लिख दिया इज डूइंग और डन एंड डन, मान लीजिए ऐसा लिखे तो ये गलत हो जाएगा, सेंटेंस का अनर्थ हो जाएगा, मीनिंग का अनर्थ हो जाएगा, तो डियर हमें यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब बताना पड़ेगा। तो आई होप चीजें समझ में आई कि अगर दो मेन वर्ब्स हो और वो डिफरेंट डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब लेते हो तो उन दोनों डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब को अलग अलग हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखिए जरा, She has helped me in hour of need, जरूरत के समय उसने मेरी मदद की है, and always ready to help in future, नहीं लगा देंगे, and help me in future। अब इस चीज को समझेंगे जरा कि has helped तो सही है, अब हमने ready यहाँ पर एक adjective लिखा है, क्या यही has ready के साथ काम कर जाएगा? अगर काम कर जाएगा तो ठीक है, अगर यही helping verb दोनों main verb के साथ चल जा रहा है तब तो सही है, लेकिन डियर अगर अलग अलग है तब तो गड़बड़। अब यहाँ पर रेडी के साथ हैज नहीं आएगा, यहाँ पर हमें मेंशन करने पड़ेगा इज, ठीक है, जो हम सेकंड सेंटेंस में देख पा रहे हैं, शी हैज हेल्प मी इन आवर ऑफ नीड एंड इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी इन फ्यूचर, और हमेशा फ्यूचर में मदद करने को तैयार रही, ठीक है। तो बात समझ में आई कि यहाँ पर रेडी के साथ इज आ रहा था, हेल्प के साथ हैज आ रहा था, तो हमें दोनों वर्ब को मेंशन करना पड़ा, हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करना पड़ा। नेक्स्ट, द कंपनी हैज डन वेल दिस ईयर एंड डू
अब डू के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम इसी हेल्पिंग वर्ब को मानेंगे, तो हैज के साथ तो डू गलत हो जाएगा ना, और ये एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। हम सही करेंगे, द कंपनी हैज डन वेल दिस ईयर एंड विल डू वेल इन द नेक्स्ट ईयर। अब देखेंगे कि विल के साथ डू आ गया और हैज के साथ डन आ गया। नेक्स्ट, ही हैज नेवर एंड विल नेवर टेक सच रॉन्ग मेजर्स। अब जरा समझेंगे, अब हैज के साथ यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं लिखा था, दोनों तरीके से अगर हेल्पिंग वर्ब वाली बात आए या मेन वर्ब वाली बात आए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, मेन वर्ब यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पर इन्होंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है। अब विल के साथ टेक लगाया और हैज के साथ कोई वर्ब नहीं लगाया है, तो यही वाला जो वर्ब है वो हैज के साथ भी माना जाएगा। भैया हैज के साथ टेक तो होता नहीं है, गलत हो जाएगा, तो हमें सही करना पड़ेगा, ही हैज नेवर टेकन एंड विल नेवर टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर। बातें बिल्कुल समझ में आ गई कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, अपना अपना जो भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब लेते हैं उनको मेंशन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि दो मेन वर्ब है, दोनों अगर डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो दोनों डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर मान लेते दो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया और एक बार मेन वर्ब लिखा है, तो अब देखिए क्या दोनों के साथ चल जाएगा। लाइक दोनों के साथ चल जाएगा तो सही हो जाएगा। आप जरा देखिए कि एग्जांपल्स को मैं समझा देता हूं। आई कैन एंड विल ऑलवेज हेल्प यू, विल ऑलवेज हेल्प यू। अब इस सेंटेंस हमारा सही है, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैन के साथ भी चल जाएगा। आई कैन हेल्प यू एंड विल ऑलवेज हेल्प यू। तो जब यहाँ पे पता है कि यही हेल्पिंग वर्ब इसी फॉर्म ऑफ वर्ब को लेता है तो हमें दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये अलग मेन वर्ब के फॉर्म लेगा तो यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। चलिए नंबर 15, अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज शुड बी फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर, पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज। अगर मेन क्लॉज में आपका पास्ट टेंस है, इसके लिए अगर इसका डिटेल देखना चाहते हैं डियर, तो आप लोग सीक्वेंस ऑफ टेंस का वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। जस्ट सेम टाइम पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा, ऊपर पे नोटिफिकेशन में आ जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज, अगर मेन क्लॉज में पास्ट टेंस है डियर, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट टेंस होना चाहिए, ठीक है। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, डियर ये गलत हो गया, लिखना पड़ेगा ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क हार्ड। ये वाला पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में होगा। शी सेड, पास्ट टेंस है, दैट शी विल बी देयर ऑन टाइम, तो देयर विल प्रेजेंट में आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं इसको फ्यूचर कह देंगे कि सर ये तो फ्यूचर है, या विल एक्चुअली फ्यूचर टाइम को रेफर करता है, लेकिन यहाँ पर वो प्रेजेंट ही माना जाएगा। शी सेड दैट शी वुड, अब इसका जो पास्ट मीनिंग के लिए आता है वो होता है वुड। बात समझ में आ गई कि अगर मेन क्लॉज आपका पास्ट टेंस में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो किसी कंजंक्शन से शुरू होगा, ठीक है। इसका एक छोटा सा पॉइंट और आगे है, या पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज में बी फॉलोड बाई अ प्रेजेंट टेंस। मतलब अब इसके अपोजिट, जब भी हमने पहले पढ़ा कि मेन क्लॉज में, मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं डियर, अगर यहाँ पर पास्ट टेंस है, ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस हो सकता है। इन सभी के लिए आप सीक्वेंस ऑफ टेंस का वीडियो जरूर देखेंगे, ठीक है। अगर इससे यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक फैक्ट या जनरल ट्रूथ के बारे में बात की जा रही है, मतलब अगर ये जो प्रेजेंट टेंस यहाँ पर जो लिख रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में, वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, जैसे आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, ये मूव्ड गलत हो जाएगा। मूव्ड कहने का मतलब हो जाएगा कि पास्ट में होता था, अब नहीं होता है। तो हमें कहना पड़ेगा कि आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, माय टीचर सेड दैट 2 and 2 were 4, गलत हो जाएगा। My teacher said that 2 and 2 are 4, यहाँ पर इज भी चल जाएगा डियर, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हमें आर लिखना पड़ेगा, वर लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। When the subordinate clause comes after list, अगर subordinate clause डियर list के बाद आता है, तो auxiliary verb हमेशा should आएगा। ना भी आएगा तो चल जाएगा, लेकिन आएगा तो should आएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आएगा तो should आएगा, ना आएगा तो छोड़ दीजिए, चल जाएगा वैसे, ठीक है। चलिए, डोंट स्पीक लाउडली लेस्ट समवन विल हेयर, डियर ये बिल गलत है। इसके जगह पे हमें शुड लिखना पड़ेगा, या इसको हटा देना है सिर्फ, कुछ इस तरीके से रह सकता है ये, डोंट स्पीक लाउडली लेस्ट समवन हेयर्स, नहीं करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे, हेयर ही लिखेंगे, ठीक है।
क्योंकि हमने सिर्फ शुड हटाया, ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अदरवाइज हम शुड के साथ ही जाते, एसएससी वाले शुड के साथ ही जाते, ठीक है। नेक्स्ट आएगा डियर, व्हेन शुड, सॉरी वी शुड नॉट प्लेस एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज बिटवीन टू एंड वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनिटिव। तो कहने का मतलब हो गया कि टू प्लस एडवर्ब प्लस जो आपका इस तरीके से, चूंकि ये इसका पार्ट है तो इसके बीच में हम एडवर्ब को इंसर्ट नहीं कर सकते, जैसे टू गो, टू कम, टू रन, टू वॉक, इसके बीच में एडवर्ब इंसर्ट नहीं कर सकते, लाइक टू स्लोली वॉक, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट इन्फिनिटिव। इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट इन्फिनिटिव कहते हैं। शी होप टू इमीडिएटली मीट यू, तो क्लियर, ये इमीडिएटली गलत है, इमीडिएटली विल बी एट द लास्ट। जेरेंड इफ प्रिसीडेड बाई ए प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन द पजेसिव केस। देखिए कहने का मतलब हो गया कि अगर आई एन जी लिख रहे हैं और यहाँ पर कोई प्रोनाउन लिखना है तो यह प्रोनाउन आपका पजेसिव केस में होना चाहिए, लाइक ऐसे माई, योर, आर, कुछ इस तरीके से, ठीक है, लाइक माई पेरेंट्स एम्फेसाइज्ड मी मीटिंग हर। तो डियर यहाँ पर मी गलत हो जाएगा, हमें करना पड़ेगा माई मीटिंग हर। प्लीज एक्सक्यूज मी कमिंग लेट, एक्सक्यूज मी कमिंग लेट, तो डियर गलत हो जाएगा, प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट, मेरा देर से आने को क्षमा करें। अवर्ब व्हेन प्रीसीडेड बाय अ प्रीपोजिशन मस्ट बी इन द जेरेंड फॉर्म। अब कोई प्रीपोजिशन लिख रहे हैं तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा आई एन जी फॉर्म में आएगा। डियर 10 बॉयज वर पनिश्ड फॉर कम लेट स्टडे, तो डियर ये कम गलत हो जाएगा, हमें लिखना पड़ेगा फॉर कमिंग लेट। आई एम यूज टू स्पीक इंग्लिश, तो डियर गलत हो जाएगा, टू के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्पीकिंग, और ये टू है जो प्रीपोजिशन है। डियर किसी को इसमें दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। 21 ऑलवेज कैन बी यूज्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो ऑलवेज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों में होता है। व्हेन यूज्ड इन द इंडेफिनिट टेंस इट शोज फ्रीक्वेंट एक्शन, बट व्हेन इट इज यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इट शोज दैट समथिंग इरिटेटिंग और शॉकिंग ऑफन हैपन। मतलब वो चीजें इरिटेट करती है, अगर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं तो वो स्पीकर को इरिटेट कर रही है, लाइक शी इज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, ठीक है, वो हमेशा क्लास में देर से आती है, तो वो टीचर को इरिटेट कर रहा है उसके आने का एक्शन, बट शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ये किसी को इरिटेट नहीं कर रहा है। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज नॉट यूज्ड इन द क्लॉज ऑफ टाइम प्लेस एंड कंडीशन। ये गलतियां हम बार बार करते हैं, तो सिंपल इसको समझ सकते हैं डियर कि कंजंक्शन के बाद आने वाला जो क्लॉज होगा इसमें कभी भी फ्यूचर टेंस यानी शैल या विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शैल विल तो छोड़िए, इवन कोई और भी मॉडल्स का इस्तेमाल हम नहीं करते, ठीक है। इन दिस केस ओनली प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड। आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर वर्क, तो टिल के बाद डियर ये विल नहीं आएगा, हमें लिखना होगा टिल यू फिनिश योर वर्क। इफ यू विल कम लेट यू विल हैव टू बियर फाइन। ये छोटी छोटी चीज ना हम गलतियां करते हैं। If you come late, you will have to bear fine. ठीक है? अगर आप देर से आएंगे तो आपको fine देना पड़ेगा। Next dear, the present perfect tense is not used with the adverbs of past time like last month, last year, ago, yesterday, in 2020. देखिए याद रखेंगे, ये जो has have है आपका ना, इनके साथ कोई भी past time use नहीं कर सकते। इन दिस केस इसको चेंज करना पड़ेगा, वर्ब चेंज होगा वी टू पास्ट सिंपल टेंस। अगर पास्ट टाइम यूज्ड है तो आपके साथ पास्ट सिंपल टेंस उसके साथ आएगा, ठीक है। शी हैज बॉट अ साइकिल यस्टरडे, अब यस्टरडे के कारण हैज गलत हो गया, हमें करना पड़ेगा शी बॉट अ साइकिल यस्टरडे। ही हैज कम हियर टू डेज अगो, तो ये गलत हो गया, हमें लिखना पड़ेगा ही केम हियर टू डेज अगो। नेक्स्ट हमारा है The past perfect tense is used to represent the earlier of two actions completed in the past. अगर past में दो action complete हुआ है, तो जो पहले हुआ है ना, उसके लिए हम past perfect लगाते हैं. Like when I reached the station, the train already left. तो यार left होने का काम पहले हुआ है. So ये पहला part हमारा गलत हो गया. हमें करना पड़ेगा the train had already left. The patient died before the doctor came. तो डियर डाइड होने का काम पहले हो गया, सो हमें लिखना पड़ेगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो मतलब जब भी दो एक्शंस हो, याद रखना यही कि दो एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पहला एक्शन हुआ हो, जो पहले हो गया हो, उसको आप हैड प्लस वी3 से करेंगे।
टू मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज टूगेदर बट टू ऑक्सिलरीज कैन बी कनेक्टेड बाई ए कंजंक्शन। कभी आप दो मॉडल ऑक्सिलरी को एक साथ नहीं लिखेंगे, दो मॉडल्स एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यू शुड मस्ट डू इट, यह गलत है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं यू शुड एंड मस्ट डू इट, एक कंजंक्शन से एड करके हम लिख सकते हैं। और यही देखिए, अभी हमने पीछे एक रूल कॉन्सेप्ट देखा, ये डू वर्ब इसके साथ भी चल जाएगा और इसके साथ भी चल जाएगा, तो यहां पर डू लिखने की आपको जरूरत नहीं थी। आई होप डियर 11 से 25 तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी तरह का कोई समस्या कोई परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।